तो आज हम स्टार्ट करते हैं मदर सोर्सेज के बारे में, ठीक है ना। मदर सोर्सेज हमेशा पांच किस्म के मदर सोर्सेज होते हैं, उससे आगे सारे सोर्सेज बन जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश खानों में सिर्फ पांच मदर सोर्सेज होते हैं, उसमें से आगे फिर नए सोर्सेज बनने शुरू हो जाते हैं। पहला बेचमल, फाइव मदर सोर्सेज, फाइव मदर सोर्सेज में पहला है बेचमल, उसके बाद है वलोते, उसके बाद है स्पनी, उसके बाद है होलंडाइज, उसके बाद है सॉस टोमेट। टोमेट जो है ना फ्रेंच लफ्ज है, टोमेटोस को टोमेट कहते हैं, ठीक है ना। हम टमाटर कहते हैं, अरबी टमाटम कहते हैं, फ्रेंच टोमेट कहते हैं, इंग्लिश में टोमेटोस कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको कंगोसी भी कहते हैं। बाकी कलर्स के हिसाब से बेचमल को व्हाइट सॉस कहते हैं, इसको रेड सॉस कहते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? अच्छा, जो इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है मैं वो आपको बताता हूँ। पहला है बेचमल। बेचमल में फ्लोर, बटर, मिल्क, सॉल्ट, पेपर, नटमेग, अनियन स्टफ विथ क्लोव्स, बेलीफ, थाइम एंड पार्सले, ये है बेचमल सॉस, ठीक है ना। बेचमल सॉस जो बटर एंड फ्लोर जो है इसका रू बनता है, ROUX, रू। रू का मतलब होता है इक्वल बटर और इक्वल मैदे को भूनते हैं। पहले बटर को गर्म किया, उसी के अंदर मैदा डाल के थोड़ा सा भूना, भूनने के बाद उसका रू बन जाता है। उस रू को फिर हम बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बेसिक बेचमल में रू डालता है। इससे आगे फिर मोरने सॉस बनता है, सुभाष सॉस बनता है और नाथवा सॉस इससे बनते हैं, ठीक है। और ये सॉसें आगे मुसाका में इस्तेमाल होता है, लजानिया अला बोलोनीज में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम वलुते की तरफ। वलुते में लाइट रू है। लाइट रू का एक डार्क रू होता है, एक लाइट रू होता है, थोड़ा सा ज्यादा लाइट रू है। लाइट रू जब उसको पकाओगे तो एक मैदा अपनी एक खुशबू छोड़ेगी, इसका मतलब डन है। पहले जो ना मैदे सक कर लेती है मैदा बटर को, जब वो कुक होने लगता है फिर वो ऑयल छोड़ देती है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक आप किस चीज का वलुते बना रहे हो वो डिपेंड ऑन यू। आपने फिश का बनाना है, चिकन का बनाना है या वेजिटेबल का बनाना है, ठीक है। इसका स्टॉक बनेगा, स्टॉक का अंदर साल्ट पेपर और आपने वो रू मार के उसको ठीक करना है, इसको कहते हैं वलुते सॉस, ठीक है ना। ये वलुते सॉस से फिर आगे जो सॉसें बनती है उसमें आलमंड सॉस बनता है, आलमंडी बनता है और नॉर्मन बनता है और इसमें सुप्रीम बनता है, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखने में सुप्रीम होता है, पढ़ने में सुप्रीम पढ़ते हैं, आर को गे की आवाज निकालते हैं, जैसे कि फ्रेंच में बगेट कहते हैं। ब्रेड है बेसिक, BREAD, ब्रेड, लेकिन आर का नाम गैन से निकालते हैं, बगेट, ठीक है ना। इसी तरह इसको सुप्रीम, इंग्लिश में सुप्रीम पढ़ते हैं और फ्रेंच में सुप्रीम पढ़ते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? ये सोचे फिर ब्लांकुते, ब्लांकुते यो में डालता है और कतबलार में डालता है। ये जो डिशे हैं इसमें ये सॉस डलती है। इसके बाद आते हैं हम स्पनियोल की तरफ। स्पनियोल जो होता है ना, इसको हम डेमी ग्लेस, यहाँ पे जो नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिक इसके दो तीन तरीके हैं। इसके बाद आते हैं हम स्पनियोल की तरफ। स्पनियोल जो होता है ना, इसको हम डेमी ग्लेस, यहाँ पे जो नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिक इसके दो तीन तरीके हैं। कुछ लोग इसमें रू भी डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। एक स्टाइल ये है कि जो हड्डियां हैं, बड़ी हड्डियां हैं जिसमें मीख होता है, जिसमें मेरो होता है, उसको ऑयल लगा के ओवन में डालते हैं। ओवन में डालने के बाद उसको हल्का सा डार्क ब्राउन करते हैं। डार्क ब्राउन करने के बाद मेरी पोहा, मेरी पोहा मैंने आपको समझाया जिसमें लीक। अच्छा, इसके बाद ना स्पेनियोल डार्क ब्राउन रूक जो आपका मेरी पोहा है, इसमें लीक, सेलरी, अनियन, कैरेट्स, जिंजर, गार्लिक ये डालते हैं तो इसका मेरी पुआ बनता है। उस मेरी पुआ के साथ और हड्डियों को बॉइलिंग पे रखते हैं और ये थोड़ा तकरीबन 12 घंटे इसको पकाते हैं चूल्हे पे। पका पका के उसका मीट एक एक चीज़ जब निकलता है तो वो जो है बिल्कुल आखिर में थिक होता है। एक दिन का ये स्टाइल है। दूसरा ये स्टाइल है, मैं इधर आपको बताता हूँ, अनियन, कैरेट, सेलरी, बैगन, थाइम, बीफ स्टॉक। बीफ स्टॉक जो मैंने आपको बताया, जो हड्डियों का स्टॉक बनता है वही स्टॉक है, एंड डार्क रू।
डार्क मून जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, एक लाइट होता है एक डार्क होता है, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा मून के डार्क करो तो ये जो ना आपके इस परिवार में इस्तेमाल होता है। उसके बाद रू का मतलब है फ्लोर एंड बटर, इक्वल फ्लोर और इक्वल बटर। अगर आप एक किलो बटर का बनाते हो तो आप एक किलो फ्लोर ही डालोगे उसमें, क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए रू के लिए। दैट्स इट, फॉलो करो मेरी बात। अच्छा, उसके बाद इसमें बे लीफ एंड पार्सली, ठीक है ना। फिर इससे जो आगे जो स्पेनियोल से जो आगे सॉस बनती है वो डेमीग्लेस बनती है, ठीक है। उसके बाद बेगरेट सॉस भी बनती है और मडीरा सॉस भी बनती है। मडीरा बेसिक इसमें जो ना शराब डालता है, इसमें एक मडीरा शराब होता है वो इसमें डालते हैं तो फिर आगे वो मडीरा बन जाता है। ये किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है? ये कनाड अला ऑरेंज में इस्तेमाल होता है और दूसरा होता है बीफ वेलिंगटन में। बीफ वेलिंगटन भी बहुत ज़बरदस्त डिश है, बड़े बड़े त्योहारों में बीफ वेलिंगटन बनाते हैं। बीफ वेलिंगटन किस तरह बनाते हैं? बीफ का राड लेते हैं, उसको मैरिनेट करते हैं स्टफिंग करके, उसके ऊपर जैसे कि ये नहीं आपका पेटीज, पेटीज का जो क्रास होता है उसको रैप करके उसको ओवन में देते हैं, वो पक जाता है, अंदर से हल्का सा मीट रेड होता है, ऊपर क्रिस्प स्लाइसेस डालते हैं, स्लाइसेस डाल के ऊपर इस तरह से डेमी ग्राह के दे देते हैं, ठीक है। अभी वेलिंगटन की समझ लग गई। इसके बाद आते हैं हम हॉलैंडाइज की तरफ। हॉलैंडाइज जो ना जैसे कि हम यहाँ मायनीज बनाते हैं, मायनीज की तरह ही हॉलैंडाइज होता है, और इसमें जिसमें अंडा डलता है इसको इमल्शन सॉसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये बाहर नहीं रखना है क्योंकि प्रोटीन लेवल, एक योक होता है इसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होती है और इसमें बैक्टीरिया जल्दी आ जाता है। इसको कोशिश करें कि फ्रिज के अंदर और डेंजर जोन से बाहर रखें। डेंजर जोन समझ रहे हो ना, 4 से लेकर 7 तक का जो टेम्परेचर है उसको डेंजर जोन कहते हैं, 4 से आपने नीचे नीचे रखना है, ठीक है। इसमें जो रस्ता है, एक योक है क्लेरिफाइड बटर है। क्लेरिफाइड बटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्लेरिफाइड बटर का मतलब ये होता है कि आप बटर को पिघलाए, पिघलाने के बाद उसके अंदर जो जाग पानी जो होता है वो साइड होकर आखिर में जो क्लेरिफाइड बटर होता है उसको कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? मतलब साफ जो तेल के उसमें आ जाता है उसको कहते हैं। उसमें साल्ट एंड पेपर डालता है। फिर उसके बाद इस सॉस से आगे जो बनते हैं, ये बर्नेज सॉस भी बनता है, मोस्टे सॉस भी बनता है और मजलिंग सॉस भी बनता है, ठीक है। तो ये जो इस्तेमाल होता है जो बर्नेज और ये जो ना ब्रेकफास्ट में एक बेनेडिक्ट बनते हैं, एक बेनेडिक्ट एंड शातो बिरिया, ठीक है ना। एक बेनेडिक्ट जो होता है वो क्या होता है, ब्रेड होता है, ब्रेड थोड़ा टोस्ट मारते हैं, ऊपर कोई सावर क्रीम वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर अंडा रखते हैं। पोस्ट एक का मतलब होता है कि उबलते हुए पानी में अंडा तोड़ के उसी के अंदर पका के उठा लेते हैं, तेल टच नहीं करते हैं, उसको ब्रेड पीस के ऊपर रखें, ऊपर से पार्सले या हल्का सा पपरिका पाउडर डालते हैं। पपरिका पाउडर डाल के जो ना आप इस सॉस को बनाते हैं बेनेडिक्ट को। और शतोब्रियां जो होता है, शतोब्रियां बड़ा स्टेक होता है, स्टेक को ग्रिल करके इसके स्लाइसिस करके ऊपर बर्नी सॉस डाल के देते हैं, इसको क्या कहते हैं, शतोब्रियां, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन आप जो ना बेहतर कर लेना इधर आप। फिर इसके बाद जो होता है सॉस टोमेटो, ये टोमेटो सॉस है, इसमें जो ना कंकोसे भी कहते हैं, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। फिर इससे आगे क्या क्या सॉसेज बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें डलता है बटर, कैरेट, अनियन, बे लीफ, गार्लिक, थाइम, टोमेटो, साल्ट, शुगर एंड पेपर, ठीक है। इससे यह सॉस बनेगा, ये मदर सॉस बनेगा। फिर इससे आगे जो स्पीशीज बनते हैं ये है क्रिकल सॉस बनता है, स्पेनिश सॉस बनता है एंड प्रोविंशियल सॉस बनता है। मेरी बात फॉलो कर लो यहाँ तक। उससे जो आगे जो जो डिशों में डलता है वो हेलिकॉट अला ब्रेटोने में डलता है और मीट लॉफ में डलता है, ठीक है। मीट लॉफ जो होता है वो पेंदेवांडेक भी कहते हैं इसको। जो मीट लॉफ की मैं आपको बताऊंगा, मीट लॉफ जो होता है ना वो कीमा के अंदर सॉल्ट, पेपर, अंडा, थोड़ा सा सीजनिंग वगैरह, मस्टर्ड वॉरस्टरशायर सॉस के मैरिनेशन करके उसको मिक्स करते हैं, रगड़ते हैं, मिक्स करने के बाद फिर किसी ट्रे में ऐसे लंबे राड की तरह बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ब्रशिंग करते हैं टोमेटो पेस्ट का, फिर उसको ओवन में देते हैं, ओवन में पक जाते हैं, उसके स्लाइसेस डालते हैं, स्लाइसेस बना के इसके ऊपर ये सॉस डलता है। अभी
ये फाइव मदर सोर्सेस के बारे में आपको समझ लग गई, ठीक है। फिर हम इससे आगे जो मदर सोर्सेस है हम वन बाय वन बनाएंगे, ठीक है ना। वन बाय वन ये फाइव मदर सोर्सेस से आगे शेफ जितने भी है वो आगे खेलते रहते हैं, फिर वो अपने डिशे इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि टोमेटो सॉस के साथ आपका बेचवत बना दिया, कुछ और बन गया, इसी में मस्टर्ड डाला कुछ और डल गया, किसी में जो ना डिजोन मस्टर्ड डाला और बन गया, किसी में जो ना आपने होल ग्रेन मस्टर्ड डाला वो कोई और सॉस बन गया। इसी तरह बलूते हैं, बलूते में जो ना अलमंडी बनाने के लिए कुछ और स्टाइल में, और नोरबंदे के लिए कुछ और, फिर इसमें बहुत सारे और भी सोर्सेज बन जाते हैं। वो शेफ की क्रिएशन होती है, लेकिन बेसिक वो बलूते उठाता है पहले। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? इसी तरह स्पेनियोल में भी है, ठीक है ना। स्पेनियोल से भी जो ना बहुत सारे सोर्सेज बनती है, जैसे कि मडीरा है, मडीरा तो मडीरा का इस्तेमाल करते हैं लोग जो ना मसाला वाइन का इस्तेमाल करते हैं, मसाला वाइन से और टेस्ट बन जाते हैं वो। और बहुत सारे सोर्सेज है जो पढ़ाई कर लेंगे ना, जो हम स्लाइड खोलेंगे उसमें बहुत सारे सोर्सेज आते हैं जो आपको ईजी हो जाएगा और आप जो ना ईजी समझ जाओगे, ठीक है। इसी तरह हॉलैंडाइज में भी इस तरह से है, और इसी तरह टोमेटो सॉस में भी इस तरह से। अब जो ना कुछ लोग क्या क्या मिक्स करके इन्हीं को खेलते रहते हैं, ठीक है ना। कोई भी सब शेफ इसी में से खेलते रहते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? समझ लग रही है? अच्छा, तो ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि हमारा हर हफ्ते आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।